हाय फ्रेंड्स, देखिए ये है मुल्तानी मिट्टी। बिग चंक्स है, स्मॉल चंक्स भी है। ये है मुल्तानी मिट्टी, देखिए ये अच्छे से। ये नॉन रोस्टेड है, एकदम रॉ, और बिग साइज में भी है। ये इसका वज़न 1.5 किलो से 2 किलो हो सकता है। और ये है रोस्टेड मुल्तानी। ये है रोस्टेड मुल्तानी। मुल्तानी रोस्ट होने के बाद ये बहुत ही स्मॉल पीसेस में ऐसे चिप्स की तरह निकल जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको मुल्तानी से, इसी मिट्टी से बना हुआ बहुत सारे बर्तन जो हम बनाते हैं मुल्तानी मिट्टी से भी बनाते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। रॉ मुल्तानी का और रोस्टेड वाला, दोनों का स्टॉक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये थोड़ा हल्का होता है वेट में। देखिए ये मुल्तानी से बना हुआ सॉसर है, देखिए इस तरह का सॉसर है। ये एकदम क्रंची होता है। और ये है मुल्तानी से बना हुआ नॉन रोस्टेड ग्लास, और ये है रोस्टेड ग्लास। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है मुल्तानी से बना हुआ, देखिए। ये देखिए आते वक्त ये टूट गया है। ये एकदम भी गमी नहीं है, मतलब ये आपके दांत में रॉ मुल्तानी क्या होता है, बहुत चिपक जाता है मुंह में। देखिए ये आते वक्त टूट गया है, ये चिपकेगा नहीं। रोस्टेड वाला मुल्तानी वाला क्ले पॉट है, इसी मिट्टी से बनाया जाता है इसको। देखिए ये है ग्लास, हम इसको ऐसे लाते हैं क्योंकि ये ना टूटे, लेकिन लाते वक्त थोड़ा बहुत तो टूटेगा ही। हमारे यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता आने में, 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन फिर भी ये देखिए कैसे टूट जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसकी आवाज़ से ही आपको पता चलेगा ये मुल्तानी वाला क्ले पॉट बहुत क्रंची है। ये इसका आवाज़ से ही पता चलेगा, देखिए इसका आवाज़ से आपको पता चलेगा ये बहुत क्रंची है। और ये रॉ मुल्तानी ग्लासेस है, देखिए ये बहुत अर्दी है लेकिन ये सॉफ्ट है। लेकिन हमारे पास इसका स्टॉक नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सैंपल के तौर पर हमने रखा है 1-2 पीस, बाकी हम रोस्ट करके ही रखते हैं क्योंकि रोस्ट आते आते टूट जाता है। अगर नॉन रोस्टेड रखेंगे तो वो तो पूरा टूटेगा ही, इसी नॉन रोस्टेड भेजना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने रोस्टेड रखा है। देखिए बहुत पतला होता है और बहुत हल्का भी होता है। इसका वज़न ग्रे बार्बर क्ले से बना हुआ जो पॉट है उससे बहुत ही हल्का होता है। ये जैसे देखिए इस दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, देखिए ये ग्रे बार्बर क्ले से बना हुआ पॉट है और ये मुल्तानी से बना हुआ पॉट है। ये पॉट एक पॉट का वज़न 200 से 250 ग्राम होता है, और ये देखिए ये मुल्तानी बहुत कम वज़न है इसका। और हमारा ये जो पॉट है ये बहुत सॉफ्ट होता है भी, क्योंकि ये इसका मिट्टी जो है ये बहुत सॉफ्ट होता है। मैंने सुबह देखिए बहुत सॉफ्ट है, ये बनाने के टाइम पे इतना छोटे छोटे पीसेस मिट्टी एकदम सॉफ्ट है। ये थिक वाला क्ले पॉट, ये भी थोड़ा बहुत स्मोकी होता है। अगर बनवान आपको स्मोकी चाहिए तो आप बोल दीजिएगा, हम अलग से स्मोकी भी भेज देंगे।
और ये देखिए ये एक पार्सल है, हम आपको दिखा देते हैं। इसमें 3 kg मिनी पॉट है, अब सभी स्मोकी, उन्होंने पूरा स्मोकी सेट लिया है क्योंकि उनको स्मोकी ज़्यादा पसंद है। देखिए ये पूरा स्मोकी है। स्मोकी इसलिए दिखा रहे हैं हम क्योंकि अगर आप स्मोकी चाहते हैं मिनी क्ले पॉट में तो हमारे पास स्टॉक रहता है, तो रहेगा तो हम दे देंगे आपको। देखिए एकदम स्मोकी है, ये इनका पूरा स्टॉक स्मोकी है। और ये दो उनका सैंपल है, एक कोलकाता क्ले पॉट और एक क्ले चिप्स जो मिट्टी से बना हुआ है, इसमें कोई स्लेट पेंसिल का कुछ भी नहीं है। कोलकाता क्ले पॉट का स्टॉक अभी नहीं है, हम दूसरा बनवाने के लिए दे दिया है, वो कल या परसों में संडे तक आ जाएगा, उसके बाद आप पॉप शॉप से भी और ऑनलाइन से भी ऑर्डर दे सकते हैं। बाय फ्रेंड्स।